और मैंने सोचा यार मोमोज खा लेते क्योंकि जहां मैं जा रहा हूँ वहां पर मोमोज मिलते ही नहीं है। हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो अपना विशाल बूम, मतलब आज चेहरा देख रहे हो ऐसा निखर के बाहर से आ रहा है क्योंकि तुम्हारा भाई जा रहा है परदेश, मतलब अपने गांव जा रहा हूँ। भाई बहुत खुशी मिलती है जब मैं गांव जाता हूँ। तो अभी जो है ना मैं स्कूटी पे व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। मेरी ट्रेन है 8:20 की और अभी 7 बज रहे हैं और 1 घंटा 20 मिनट में मेरे को पहुँचना है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मेरा घर है द्वारका से स्टार्टिंग होता है और आनंद विहार का टाइम ही 1 घंटा 20 मिनट है। देखते हैं पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, ट्रेन छूटते नहीं छूटती। ये व्लॉग स्कूटी पे बनाने का मेन रीज़न यही है क्योंकि मेरे पापा बोल रहे हैं निकल ले तू पहली फुर्सत में क्योंकि तू लेट होगा, इस वजह से स्कूटी पे बना रहा हूँ। और अभी शादी का माहौल चल रहा है और मेरे बहन की शादी है, मतलब कज़न सिस्टर की शादी है, इस वजह से मैं गाँव जा रहा हूँ। तो आज का व्लॉग अपना गाँव जाने के ऊपर होने वाला है तो आप पूरा देख रहे हैं यार। कई लोगों का मेरा इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आता है कि भाई अपने गाँव का एक बार व्लॉग दिखाओ जो पिछली बार मैं गया था, तो इस बार आपको सारा दिखाऊंगा गाँव किस तरीके का क्या है क्या नहीं है। तो अभी पहले इंट्रो दे लेते हैं। सो बूम 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 मेरे चीतों, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो अपना विशाल बूम, भाई स्कूटी पे ही देख रहे हो, क्या जोश है तुम्हारे भाई का। तो चलो विंड आ रही होगी, अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन, फिर आगे की बातचीत आपसे आगे करते हैं। तो अभी आ चुके हैं भाई आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मेरे पापा ने दोबारा मेरे को धोखा दिया, मेरे पापा ने मेरे को बताया था कि जो ट्रेन है 8:20 की है, यहाँ पर आके मैंने पता करा तो ट्रेन मिली भाई 8:40 की। अभी मेरे पास 20 मिनट बचे हैं और मैंने सोचा यार मोमोज खा लेते क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मोमोज मिलते ही नहीं है, बहुत दूर मिलते हैं, मतलब 20-30 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है बाइक के थ्रू, वैसे पैदल नहीं बाइक से चल के जाना पड़ता है तो मोमोज मिलते हैं। तो आखिरी बार नई दिल्ली में मोमोज खा रहे हैं, यहाँ पर मोमोज लिया है चिकन मोमोज, तुम्हारे भाई को पसंद है तो चिकन मोमोज ही लिए हैं। और चिकन मोमोज यहाँ पर कुछ इस तरीके के दिखने में मिल रहे हैं, 60 रुपये के 8 पीस है, चाहे कितने भी महंगे हो भाई लास्ट वाला खाना बनता है। तो ये इसको खाते हैं फिर चलते हैं आगे अपनी ट्रेन पे। अगर मैं बात करूँ ना भाई इंडिया में करप्शन भाई आज भी चल रहा है। मैं पानी लेने गया, मैंने उसको 20 का नोट दिया और अगले ने ना पूरा 20 का नोट रख लिया। मैंने उसे बोला भाई 15 की है तो वो मेरे को देता है नमकीन का पैकेट। फिर मैंने नमकीन के पैकेट गिर मना करा तो कह रहा भाई अगर तुम्हारे पास 5 रुपये खुलने हैं तो 10 रुपये ले लो, नहीं तो नमकीन का पैकेट लेके ही चले जाओ। सांस फूल रही है, भाग भाग के आया हूँ, मोमोज खाने में ज़्यादा टाइम लग गया। अपनी जो ट्रेन है भाई वो ये खड़ी है, ये रहा भाई अपना डब्बा। चलो आओ चलते हैं, आपको भी घुमा के लाते हैं। हो सीट ढूंढनी पड़ेगी पहले तो। तो मतलब यहाँ तक तो आप लोगों ने देखा व्लॉग कि मैं जा रहा था गांव, मैं जा ही रहा था गांव, बट यहाँ पर क्या हुआ मैंने व्लॉग करना छोड़ दिया, मतलब मैं ट्रेन में पहुँचा और मैंने व्लॉग करना बंद कर दिया, छोड़ा नहीं है व्लॉग करना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पर मेरे को मिल गए कुछ मेरी उम्र के लड़के और हमारी बातचीत होने लग गई, इस तरीके की बातचीत होने लग गई जो मैं व्लॉग में नहीं दिखा सकता था। तो मैंने कहा चल उस माहौल को इन्जॉय करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में अपने बताया भी था कि कितने दिन से व्लॉग नहीं डाल रहा था, क्या रीज़न था, वो सब कुछ मैंने उस व्लॉग में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। तो ये व्लॉग जो था ना बस ट्रेन का यहाँ तक ही था, इसके बाद पहुंच गए भाई गांव। 14 तारीख को हम यहां से निकले थे, 15 तारीख को पहुंच गए गांव और 15 तारीख को मेरी बहन का था तिलक। और फिर तिलक में क्या क्या होता है, कैसे क्या जाता है, क्या होता है, सब कुछ जो जो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना सकता था वो मैंने बनाई, अब मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं भाई पहले नहाने के लिए, अभी यहां हूं गांव में तो मैं जा रहा था नहाने के लिए, तो अब नहाने जा रहे हैं। सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो भाई सारे? अभी मैं आ रखा हूँ अपने गांव में क्योंकि मेरी बहन की शादी है और यहाँ पर अभी मेरा छोटा भाई नहा रहा है, यहाँ पर अभी हमारा चल रहा है, ठीक है हाय गाइस वाला बंदा ये। तो अभी तुम्हारा भाई भी नहाएगा और धूप देख रहे हो कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, मतलब बहुत तेज़ हो रही है, तुम्हें मेरी शक्ल पर ही दिख रहा होगा। और यहाँ पर पहले ना तुम्हें मैं खेत दिखाता हूँ, ये देखो पीछे ये यहाँ पर गाँव हमारा जो है ये पूरा खेत वगैरह है, इसका जहाँ तक दिख रहा है सब अपना है, जहाँ तक दिख रहा है भाई सब अपना है। तो अभी तुम्हारा भाई भी तैयार होगा, कच्चा वगैरह यहाँ पर रख रखा है, पहले तैयार हो जाता है क्योंकि इस लुक में दिखने में ना अच्छा नहीं लग रहा, तो पहले तैयार होता है फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर सारे मतलब तैयार हो चुके हैं, नहा के सीधा भी यही फिल्म पे आया हूँ मैं और यहाँ पर कोट पहन के तैयार हो चुका हूँ। और ये मेरा भाई है, इसके बाल देखो इधर के पास आइए, पास तो अब उधर घूम, इसकी कटिंग देखो भाई साहब, कुत्ता कटिंग कहते थे इसे, वो वाली कटिंग इसने करवा रखी है। और जिस मेरी बहन की शादी है, मतलब आज जिसके तिलक में जा रहे हैं, ये शर्माते हुए ये, ठीक है, और ये हमारे मामा है, ठीक है। तो
अभी यहाँ पर सारा कार्यक्रम चल रहा है कि तैयार हो रहे हैं सारे, और यहाँ पर हमने सारे बैग वगैरह फैला रखे हैं। आज इस व्लॉग में मतलब बेसिकली आपको दिखाने का मेन पर्पस ये है कि देहात में मतलब गांव में शादी किस तरीके से होती है, तिलक किस तरीके से होती है, वो दिखाएंगे। ठीक है, तो आप पूरा बने रहना, 10 मिनट का शायद व्लॉग होगा, पूरा देखना, मजा आएगा एक नंबर का। तो अभी बाहर चलते हैं, क्या क्या जा रहा है वहाँ पर देना है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, सब कुछ दिखाएंगे आपको वो। तो अपने गाँव का रिवाज कुछ इस तरीके का ना, मतलब यहाँ से जो तिलक लेके जाते हैं ना, अभी 5-7 गाड़ियाँ जाएंगी यहाँ से जिसमें तिलक का सामान होगा। एक गाड़ी तो यहाँ से निकल गई है जिसमें तिलक का सामान है, और यहाँ पर एक बिलोरो खड़ी है, एक वो पीछे बिलोरो खड़ी है, ये सेंट्रो, मतलब 7-8 गाड़ियाँ हमने कर रखी है जो सारी जाने वाली है। ये मेरे चाचा हैं, मतलब गांव के जितने भी रिश्तेदार हैं, ये मेरे चाचा, ठीक है, और ये मेरा गाँव का घर है कुछ इस तरीके का। ये वो ट्रैक्टर है, सन मतलब पता नहीं कौन से सन का है, लेकिन बहुत पुराना है, पता नहीं मेरे दादा वगैरह के टाइम का ये ट्रैक्टर है। अभी चलते हैं यहाँ से, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। एक और आ गई गाड़ी, वो गाड़ी एक और आ गई, तो अभी पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आपसे करते हैं। 2 hours later अब मुझे पता है इस वीडियो में बहुत गंदे गंदे कमेंट आने वाले हैं कि भाई जब तेरे को व्लॉग करना ही नहीं था, क्यों व्लॉग क्यों बना रहा था, क्योंकि यहाँ तक दोबारा भाई ने देखो छोटी छोटी क्लिप्स बनाई, मतलब मूड ही नहीं हो रहा था गांव में, माहौल ही वो हो जाता ना कि मतलब उस चीज़ को इन्जॉय करो, तो मैंने व्लॉग नहीं करा यार। और इसके बाद भी ये क्लिप देख के डांस वगैरह करा, उसके बाद हमने आगे कुछ भी नहीं करा, सीधा शादी के दिन थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड करा, वो भी छोटी मोटी क्लिप्स होगी। आप नीचे कमेंट ज़रूर करोगे कि भाई व्लॉग कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, मेरे को भी लग रहा है यार मैंने मजाक करा है, सच में मैंने व्लॉगिंग के साथ मजाक करा है, बहुत बड़ा मजाक करा है, इसका पश्चाता मेरे को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना पड़ेगा, मिलेगा ही नहीं, डूबूंगा कहाँ से। तो देख लो यार जो बनाया है, बनाया तो सही, कुछ तो बनाया, ना से भरा हाँ तो सही, चलो देख लो यार। तो भाई यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया ना भाई किस तरीके से क्या माहौल था घर में, मतलब रोना धोना स्टार्ट हो गया था, मतलब विदाई का टाइम हो गया था, जो लास्ट आपने क्लिप देखी है ना, ये विदाई का टाइम हो चुका था, और मैं भाई था भाई, मेरे ऊपर क्या बीत रही थी ना मेरे को पता है, मतलब क्या हाल था उस टाइम, जो सगा भाई होता और जो कज़न सिस्टर होती है, मतलब आप समझते हो कि किस तरीके का माहौल हो जाता है, और जिसके साथ हम बचपन से रहे हो और वो एक पल में किसी और की हो जाए, तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या मोमेंट था वो। मेरा उस टाइम पता मन क्या हो गया था मैं बोल नहीं सकता, मेरे घर में सबको पता है कि मतलब मेरे जीजू बैठे हुए थे और मेरी बहन बैठी हुई थी, और मेरी बहन रो रही थी वहाँ पर, मेरे को गुस्सा आ रहा था कि भगा दूँ, लेकिन वो एक ना एक दिन तो आना ही है कि किसी ना किसी के साथ शादी होनी है, तो भाई अब हो रही है तो उन दो, तो मैं उसको रोक भी सकता था, मतलब एक मजाक टाइप का आपको लग रहा होगा, बट जो सिचुएशन उस टाइम मेरी थी ना वो अलग ही सिचुएशन थी। शायद मेरी बहन भी ये वीडियो देख रही होगी तो गुस्सा मत होइए, ऐसे ही बोल रहा हूँ, उस टाइम का माहौल जो था ना मेरे को ऐसे ही लग रहा था। ठीक है, तो ये व्लॉग भाई इस तरह इतना ही था, और हमारे गांव में किस तरीके से शादी वगैरह हुई आपने देखा, छोटी मोटी क्लिप्स थी, सबको ज्वाइंट करके मैंने बनाया, व्लॉग अच्छा ही हो गया था लास्ट तक आते आते आते, तो अच्छा हो गया हो तो यार लाइक कर देना, देखो यार
बट थोड़ी बहुत मेहनत लग जाती है, एडोब प्रीमियर प्रो पे भी एडिटिंग होती है, ठीक है, मेहनत लग जाती है। तो लाइक कर देना और अब बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आएंगे इसके बाद। अब खत्म हो गया पिछले व्लॉग, बस एक दो वैष्णो देवी के बचे हैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब करो अपने भाई के चैनल को और बूम करते रहो। चलो मिलते हैं, बाय बाय, बूम।